स्टॉक मार्केट में कई हफ्तों से जारी तेजी का तसलसल टूट गया है। 6 साल बाद 49,000 पॉइंट की हद बहाल होकर बरकरार नहीं रह सकी। इंटरबैंक में डॉलर और गोल्ड मार्केट में सोना सस्ता हो गया है। रिजवान आलम की रिपोर्ट देखिए। जुमेरात को स्टॉक मार्केट में दिन भर नुमाया तेजी का रुझान देखा गया। तहम मुनाफे के हसूल के लिए फरोख्त के दबाव के बाइस दिन भर की तेजी कारोबार के इख्तिताम पर जायल हो गई। 6 साल बाद दौरान ट्रेडिंग मार्केट में 49,000 पॉइंट्स की हद बहाल होते देखी गई, लेकिन मार्केट इस सतह को बरकरार न रख सकी। 100 इंडेक्स 153 पॉइंट्स गिरकर 48,611 पॉइंट्स पर बंद हुआ। अब जो है मार्केट में जो खबरें आ रही हैं इकोनॉमी की और थोड़ा थोड़ा जो बेहतरी की तरफ आ रहा है, तो उसका इफेक्ट तो ये आ रहा है कि यहाँ पर अब लोगों का ये भी कहना शुरू हो गया है कि लास्ट रिकॉर्ड भी शायद टूट सकता है। और ये जो इंडेक्स है ये तो अभी वो 10-15 जो एनर्जी का सेक्टर है जो टॉप हैवी है उसकी वजह से बढ़ रहा है। अभी काफ़ी जो सेकंड टायर और थर्ड टायर स्क्रिप्ट से तो कोई तेजी अभी आई नहीं है, वो जब बढ़ेंगे तो मार्केट और अच्छी नजर आएगी। इधर करेंसी मार्केट में 10 रोज से जारी रुपए की बेकदरी का सिलसिला जुमेरात को रुक गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 2.18 रुपए सस्ता होकर 287.20 रुपए पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 290.50 रुपए पर मुस्तहकम रहा। जुमेरात को सोने की कीमतों में कमी आई। 24 कैरेट फी तोला सोने की कीमत 2,800 रुपए कम होकर 2,20,200 रुपए पर आ गई, जबकि 10 ग्राम सोने के भाव 2,401 रुपए की कमी से 188,786 रुपए हो गए। कैमरामैन इमरान खान के साथ सैयद रिजवान आलम, समा कराची।